सोशल मीडिया से बच के रहना, कोई भी चीज़ मत देखना अगर आपको सालार देखना है तो। और नहीं, बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सालार मूवी के बारे में। ये मूवी कैसी है, क्या आपको ये एंटरटेनमेंट देने वाली है या आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जो है ना, दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि ये कुछ दबा सकती है, मतलब बहुत बड़ा सा जो जाइंट, जो डायनासोर बोला जा रहा है ना, हो सकता है इस डायनासोर के अंदर में एनिमल दब जाए या फिर कुछ और भी है जो शायद वो भी दब जाए और यही जो है अकेला दहाड़ता फिरे। लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा थोड़ा सा स्टोरी के बारे में। स्टोरी में दिखाया जा रहा है देवा और उसके साथ में है वरदराजन, जो कि भाई ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। इन दोनों ने एक प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को निभाने के लिए अपने सालार भैया जो है, अपने प्रभास भाई, वो आते हैं। देवा आते हैं, जो जिस तरह से एंट्री होती है वहाँ से कहानी किस तरफ मुड़ती है और कैसा फील होता है, यही एक एक्सपीरियंस है। एंड प्रशांत नील जस्ट नेल्ड इट। इससे ज़्यादा कहानी नहीं बताना चाहता हूँ और मैं फिर से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में घूमना मत अगर ये फिल्म देखना है तो। सबसे पहले थिएटर में आओ, मूवी देखो, उसके बाद से सोशल मीडिया में घूमना। किंग खान का जो क्राउन था उस तक को भी भाई इन लोगों ने हिला डाला था। अब क्या ये वो वाला मामला है इस मूवी के अंदर में? और जो अपने प्रभास है, ये डार्लिंग प्रभास का शक्तियों का कैसा इस्तेमाल किया गया है? और बहुत सारे लोग जो कह रहे थे उग्रम का रीमेक है और उसके बाद से जो है वो मूवी भी हटा दी गई, तो भाई मैंने उग्रम नहीं देखा है तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैंने इस मूवी को देख करके एंजॉय किया है। एंड अगर एक लाइन में अगर कहना चाहूँ तो ये मूवी जो है पूरे तरह से मास इंटरटेनर है। एक तरफ में डंकी आई हुई है जो कि भाई फैमिली इंटरटेनर है, जहाँ पे पूरी फैमिली ऑडियंस जाएगी, और ये वाली जो मूवी है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मास ऑडियंस आने वाली है। अगर आपको अभी तक एनिमल देख करके जी नहीं भरा है, बाय द वे यार मुझे नहीं लगता कि एनिमल जैसा कुछ मतलब फील कर पाओगे, लेकिन फिर भी ये जो है प्रशांत नील का जो मैजिक है उसी मैजिक पे काम करता है। बड़े बड़े शॉट्स और इसके अलावा जिस तरह से एंट्री मारता है देवा का, थिएटर में चीख पड़ोगे उसके लिए। और बहुत सारे ऐसे शॉट्स है जस्ट लाइक KGF 2 या फिर KGF कि भाई आपको चीखने पे मजबूर करती है। अब क्या वो उस तरह से वो दिमाग में चढ़कर बोलेगी या एक हफ्ते के बाद ये मूवी जो है पूरी तरह से सो जाएगी, ये आप पे डिपेंड करता है और आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों में से कौन सी मूवी देखने जा रहे हो। लेकिन अगर इस मूवी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आपको एक्शन पैक मूवी पसंद है और प्रभास को कमबैक करते हुए देखना चाहते हो और इतने सारे फ्लॉप के बाद ये सोच करके आ रहे हो कि हाँ मुझे एक ऐसी मूवी देखनी है जिसके अंदर में प्रभास कमबैक करेगा, तो फिर दिस मूवी इज़ फॉर यू। और ओवरऑल अगर एक्शन की बात की जाए, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात किया जाए, परफॉर्मेंस खास करके ब्रोमांस की, तो भाई ब्रोमांस एकदम पूरे तरीके से हिला देने वाली है। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करो कि क्या करना है। तो फॉर मी इट्स अ ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस नहीं बोल सकते, अभी भी कह रहा हूँ मास्टरपीस नहीं बोल सकते, इट्स अ ब्लॉकबस्टर मूवी फॉर द मास ऑडियंस। और आप आकर के भाई अपने फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।